स्वागत है आपका एक बार फिर जीरो क्लास में। देखो ये क्लास जो स्टार्ट की जा रही है, ये जो बच्चे ज़्यादा वीक होते हैं, ज़्यादा डाउन होते हैं, ये आर्ट साइड वाले स्टूडेंट जिन्हें मैथ नहीं आता, उनको देखते हुए इस क्लास को हमने स्टार्ट किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको, अगर आप लगातार क्लास देखते रहेंगे तो आपको कन्फर्म मैथ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्या टाइप नंबर 8 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एक्स वैल्यू। एक्स का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है? एक्स का मान आपको निकालना है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे आप समझ लें। क्या करना है हमें एक्स का मान निकालने के लिए? देखो कैसे एक्स का मान निकालेंगे, 51 है उसी के आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक्स देखना कहां पे है, ये, यानी हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्स का मान। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले 1/x लिख लिया, 1/x लिख लिया, ठीक। अब हमें देखना है बराबर वाली संख्या क्या है, बराबर वाली संख्या कितनी है, 3/5, क्या है, 3/5, ठीक। बस क्या करना है, ये चिन्ह प्लस का है या माइनस कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, चिन्ह प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस, माइनस कर दें 1/4। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इसके आगे क्या करना है, अभी आप एलसीएम ना लें या एलसीएम आपने सीख लिया हो तो ले भी सकते हैं। तो अभी शायद आपने एलसीएम नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे देखो, 1/x, अभी एलसीएम का यूज नहीं करना। पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे आपको मल्टीपल करना है, किसका, पहले नंबर पे इसकी गुणा करनी है, ठीक, दूसरे नंबर पे इसकी गुणा करनी है, ठीक, तीसरे नंबर पे इसकी, कैसे कैसे करनी है वो देख लें, ठीक, कैसे कैसे करनी है वो हम समझ लें। तो कितना आगा, 4 × 12, ठीक, 4 × 12, माइनस 5 × 5, पहले नंबर पे ये हो गई, दूसरे पे ये, अपॉन में 5 × 20, ठीक। क्या करना है, 1/x इज इक्वल टू 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, 7/20, 7/20। अब क्या करें, हमें x की वैल्यू निकालनी है, नहीं, x ऊपर होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं x/1, ऐसे इसको उल्टा कर दो, कितना, 20/7, समझ में बात आ गई। नीचे x से हम भाग करेंगे तो वही रहेगा, यानी x बराबर क्या आ गया, 20/7। तो ये क्या हुआ, हमारे पास आंसर हो गया, वैल्यू हो गई x की। तो आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं क्या है। सेम वैसे ही करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले x, 1/x को लिखना, लिख लिया 1/x, बराबर वाली संख्या, बराबर के चिन्ह के बाद जो दिया है, 2/3, ठीक, यहां तक बात समझ में आपको आती है। इसके बाद क्या करना है, हमें ये चिन्ह देखना है कैसा है, माइनस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3/5। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसकी गुणा इससे करनी है, पहले नंबर पर यह करना है, 2 × 5 = 10, ठीक, इसकी गुणा इससे करनी है, बीच में जो निशाने वाला होगा प्लस, 3 × 3 = 9। फिर क्या करना है, नीचे नीचे वालों की, 5 × 3 = 15। देखो ये क्या आया, ध्यान रहे, ध्यान क्या रहे, आपको पहले नंबर पे इसकी मल्टीपल करनी है, दूसरे नंबर पे इसकी करनी है, और फिर नीचे नीचे वालों की, तीसरे नंबर पे इसकी करनी है। क्योंकि प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन माइनस में दिक्कत आ जाती है, तो आपको ऐसे ही अरेंज में गुणा करनी है। अब देखें कितना आगा, 10 और 9 = 19, 19/15। हमारे पास क्या आया, 1/x बराबर कितना आ गया, 19/15, एक्स बराबर जो आ जाएगा 15/19। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, नो प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है देख लें, 1/x, वही x को लिखना आपको, 1/x,
बराबर वाली संख्या लिखनी कितनी, 4/5 माइनस, माइनस है बराबर के बाद जाके क्या होगा प्लस, 5/3 चार तिया बारह प्लस 5×5=25 5×5=15 1/x ठीक है। क्या करें जोड़ लेंगे कितना आगा 7 और 3 37 आ जाएगा, कितना 37/15 किसका मान आया ये 1/x का। क्या कर लेंगे उल्टा कर लेंगे, x ऊपर और 1 नीचे यानी 15 ऊपर और 37 नीचे। इससे पहला वाला सवाल भी शायद पूरा कर लिया है, लाइट आ गई थी ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आए तो आपको उल्टा करना होगा कर लेना। चलिए बात समझ में आ गई होगी, अगला सवाल देखते हैं। देखो आसानी से आप इसको समझो, हमें पहले नंबर पे क्या लिखना है, हमने क्या किया 1/x लिख लिया, बराबर वाली संख्या बराबर का चिन्ह है, बराबर वाली संख्या लिखेंगे 3/7। अब देखेंगे चिन्ह काय का प्लस का माइनस कर देंगे 3/ कितना 5। अब क्या करना है 1/x बराबर वाली संख्या कितनी, गुणा करेंगे पहले नंबर पे क्या करेंगे 5 + 5 = 15 माइनस 7 + 21 कितना 7×5 देखिए पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे आपको इसका मल्टीपल करना है, इसकी गुणा करनी है, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे नंबर पे इसकी। देखो जब माइनस आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए आप सीरियल से ही करें, पहले नंबर पे इसकी गुणा करें, दूसरे नंबर पे इसकी करें, तीसरे नंबर पे नीचे नीचे वालों की। चलिए अब क्या करना है, देखो 15 में से 21 घटाना, क्या घटाना 15 में से 21, तो 15 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, लेकिन बचेंगे क्या है कि माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है वो ही बचती है, जो संख्या बड़ी होती है वो ही बचती है घटाने पर, प्लस की बड़ी है तो प्लस की बचेगी, माइनस की बड़ी है तो माइनस की बचेगी। अपॉन में कितना 35 बराबर में कितना था 1/x। अब कटने का तो कोई सिस्टम है नहीं, कोई बात नहीं, उलट दें x को ऊपर कर दें, 1 को नीचे कर दें, ऐसे इसको 35 को ऊपर कर दें और 6 को नीचे, माइनस का चिन्ह लगा वो लगा दें, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 35/6 35/6। तो आप बात को समझ रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास कौन सा 55। क्या है 55 में क्या कहा, अब के क्या है x इन्होंने बीच में दे दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, हमें तो लिखना ही पहले x है, हमें तो x वाला पोर्शन ही पहले लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है, काय के साथ चिन्ह के साथ। तो -1/x बराबर वाली संख्या लिखनी है 3/4। अब देखना हमारे पास 2/3 क्या है प्लस का है, माइनस में लिखेंगे 2/ कितना 3 ठीक ये 1/x बराबर गुणा कर लें 3 × 9 माइनस 4 × 8 कितना 3 × 12 पहले नंबर पे इसकी गुणा 3 × 9 दूसरे पे इसकी गुणा माइनस का निशान है वो लगाएंगे कितना आया 4 × 8 कितना नीचे नीचे वाले गुणा 12 माइनस में 1/x बराबर ये भी ध्यान रहे जैसे इसके आगे कोई निशान नहीं लगाए, इसके आगे कोई निशान नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में ये गया। चलिए अब क्या लिखना है हमें -k/(x) = कितना बचेगा 1 प्लस का बचेगा 9 में से 8 जाएंगे तो 1/12 बस उल्टा कर दें x/1 माइनस का लिखना बराबर में कितना 12। तो अब इसको क्या ले सकते हैं माइनस से भाग कर सकते हैं माइनस से गुणा कर सकते हैं तो इसको ये कह सकते हैं x बराबर में कितना आगा माइनस का 12। ये वाला जो माइनस है जब माइनस से गुणा करें भाग करें तो ये इधर पहुंच जाए, बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो कितना आ गया x बराबर आ गया माइनस का 12। आप इस सवाल को और ध्यान से समझें सेम है करते हैं। देखिए पहले नंबर पे क्या लिखना है 1/x क्या लिखना है 1/x पहले नंबर पे आपको 1/x लिखना है और वो भी चिन्ह के साथ, चिन्ह क्या है माइनस का है ठीक। अब क्या लिखना है बराबर वाली संख्या लिखनी है 1/3 ठीक। अब माइनस का निशान लगा के लिखेंगे 3/5 चलिए -1/x
बराबर में क्या है, गुणा करेंगे, पांच ही कम पांच माइनस तीन तिया नौ बटे में पांच तिया पंद्रह, ठीक। माइनस वन अपॉन एक्स बराबर में कितना आएगा, माइनस का चार बटे में पंद्रह। चलिए उलट दें इसको, एक्स ऊपर एक नीचे, माइनस का निशान ध्यान रहे रखना है, यहां पे उलट देंगे, पंद्रह ऊपर और चार नीचे, माइनस से माइनस खत्म होगा तो एक्स बराबर क्या जाएगा, पंद्रह बटे चार। एक्स बराबर क्या जाएगा, पंद्रह बटे चार, बराबर के बाद में है, इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया, पंद्रह बटे चार। आप बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, देखिए होमवर्क, हमारा मोबाइल नंबर भी दिया है, ऑफलाइन क्लास भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है, आपको क्लास जैसे भी लेनी है आप ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, होमवर्क आप जरूर करें। चलिए ले लिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप एक एक्सरसाइज डेली करें, एक्सरसाइज नंबर वन थी इस क्लास की, तो आप इसको करना है, वो समझें और फिर उसके बाद में ही करें। स्वागत है आपका, देखिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। हम देखते हैं सवाल नंबर, टाइप नंबर 9, सवाल नंबर 57 क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, 2 अपॉन एक्स बराबर वाली संख्या लिखेंगे, दो बटे में कितना तीन, माइनस में चार बटे में कितना पांच। देखो ये संख्या माइनस की थी तो ये काय में पहुंचेगी, प्लस में पहुंचेगी, बात आपको समझ में आई होगी। देखिए दो बटे में कितना एक्स बराबर में कितना, पांच धुनी दस प्लस में चार तिया बारह बटे में पांच तिया पंद्रह। पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे इसकी गुणा करनी है, दूसरे नंबर पे इसकी गुणा करनी है, तीसरे नंबर पे नीचे नीचे वाली, पांच धुनी दस तीन चौक बारह और पांच तिया पंद्रह, ठीक। दो बटे में एक्स बराबर में कितना आगा, बाईस बटे में कितना, बाईस बटे में कितना पंद्रह। अब क्या करना है, x को हमें ऊपर कर देना है, x को कहां करना है, ऊपर कर देना है, दो को नीचे कर देना, ऐसी पंद्रह को ऊपर कर देना है और बाईस को नीचे कर देना है। इसकी गुणा इधर कर लेंगे, x बराबर में कितना आगा, पंद्रह गुणा में दो बटे में कितना बाईस, ग्यारह बार कटेगा, कितनी, दो ही कम दो, दो ही कम दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पंद्रह बटे में ग्यारह, ये आंसर आ जाएगा। या ऐसा ना दें तो हो सकता है ये देंगे, 11 कम 11 4 बटे में 11, इस तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे बनेगा बता दें, इस तरीके का कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं है, जैसे 15 है, 15 को भाग किया गया किससे, 11 से, 11 कम 11 4 बज गया तो कितना आया, एक सही 4 बटे में 11। चलो नेक्स्ट क्या है लिखा है, तीन बटे में कितना x बराबर में कितना, तीन बटे में कितना पांच। चलो माइनस का क्या करना है, प्लस करना है, पांच बटे में कितना चार, पहले नंबर पे इसकी इससे गुणा करनी है, तीन चौक बारह प्लस पांच पंजे पच्चीस, पांच चौक बीस, तीन बट्टे में कितना एक्स। चले देखते हैं, सात बस उल्टा कर देना है, क्या करना है, उल्टा करना है, एक्स ऊपर और तीन नीचे बराबर में कितना, सैंतीस ऊपर सॉरी 20 ऊपर और 37 नीचे, गुणा कर देंगे इसकी इससे, कितना आएगा, x बराबर में आ जाएगा कितना, 20 गुणा में कितना 3 बटे में कितना 37, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितना 60 बटे में 37। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सवाल नंबर 59, क्या करना है 59 में? वैसे ही पैटर्न है, तीन बट्टे में कितना x, बराबर वाली संख्या लिखेंगे कितना, दो बट्टे में कितना तीन, क्या करना है प्लस का काय में माइनस में, पांच बट्टे में कितना चार। ठीक, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रहे, सबसे पहले x वाला पोर्शन लेना है, ठीक, उसके बाद में बराबर वाली संख्या लेनी है, गुड, फिर क्या करना, चिन्ह देखना, चिन्ह प्लस का है तो माइनस करके लेना, माइनस का है तो प्लस करके लेना है। उसके बाद में वही पैटर्न है, पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे आपको इसकी मल्टीपल करना है, कितना, चार धुनी आठ, ठीक, माइनस का निशान है, दूसरे नंबर पे इसकी पांच तिया पंद्रह, नीचे वालों की गुणा, चार तिया कितना बारह, कितना आ गया तीन बटे में एक्स। चलिए देखते हैं, तीन बटे में कितना, तीन बटे में कितना एक्स, बराबर में कितना माइनस का सात बटे में कितना बारह, एक्स बराबर में कितना आ गया, एक्स बराबर में उल्टा कर लेंगे इसको भी, एक्स बटे तीन, ऐसे इसको उल्टा करेंगे बारह बटे में कितना सात, बस ये गुणा में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा बारह तीन छत्तीस बटे में सात, माइनस का है, माइनस का निशान लगा दें, बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखें एक्स बटे में कितना, एक्स बटे में कितना है पांच, बराबर वाली संख्या लिखेंगे दो बटे में कितना पांच, माइनस का क्या लिखना है आपको प्लस तीन बटे में चार, पहले नंबर पे इसकी इससे गुणा करनी है, कितना आगा चार दुनी आठ, प्लस में कितना पांच दिया पंद्रह, ठीक, इन दोनों की गुणा चार बन जाए बीस, बराबर में कितना एक्स बटे में कितना पांच, अब के एक्स ऊपर है, उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोड़ लें कितना आ जाएगा, एक्स बटे में पांच बराबर में कितना देखें तेईस बटे में कितना बीस, कहां जाएगा ये गुणा में चला जाएगा, एक्स बराबर में आ जाएगा आपके पास तेईस गुणा में कितना पांच बटे में कितना बीस, पांच चुक बीस, कितना आ जाएगा तेईस बटे चार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तेईस बटे चार, एक्स बराबर कितना आ जाएगा तेईस बटे में चार। चलो अब सवाल नंबर 61, सवाल नंबर कौन सा करना है 61 देखना है, क्या है 61 में देखते हैं क्या करना है, देखो x बटे में कितना पांच, बराबर वाली संख्या लिखेंगे दो बटे में कितना तीन, प्लस में लिखेंगे तीन बटे में कितना पांच, x बटे में पांच बराबर में करेंगे पांच दूनी दस, प्लस में तीन तिया नौ, बटे में कितना तीन पंजे पंद्रह, तो x बराबर में कितना आ जाएगा उन्नीस बटे में कितना पंद्रह, और गुणा में जाएगा ये पांच, तो कितनी बार कटेगा तीन बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 19 बटे में कितना तीन, एक बार समझ लें, x बटे में पांच बराबर वाली संख्या ले ली दो बटा तीन, माइनस का है प्लस में चला जाएगा, गुणा करें पांच दूनी दस तीन तिया नौ, बटे में कितना तीन पंजे पंद्रह, ये गुणा में चला जाएगा 19 बटे में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में क्या आ जाएगा गुणा में जाएगा, काट लेंगे आंसर कितना आ जाएगा 19 बटे में तीन। आपको आसानी से ये सवाल समझ में आ गए होंगे, इसकी क्या देखते हैं, इसका होमवर्क देखते हैं, होमवर्क में क्या है, आप इन सवालों को क्या करके लाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इन सवालों को आप घर से करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाद में मुलाकात होगी।